को छोड़कर चली गई है, इडियट। ओफो, तुम परेशान नहीं हो? वो घर छोड़ के नहीं गई, उन्होंने हमारी वजह से इतनी जल्दी शिफ्ट होने का फैसला किया। तुम्हारी वजह से? हाँ यार, वो तो मेरी और जैन की वजह से। गजल, मेरा मसला है, सभी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसकी बात भी मुझसे ही करना। गजल, तुम्हारा प्रॉब्लम है, लेकिन इस मामले में गजल जैन को सेवी सर के लिए प्रॉब्लम बना सकती है। मेरी शक्ल, सबूही और आपके प्यार की सच्ची कहानी। एक बात कहूँ आपको, पहले तो मैं सिर्फ आपका फैन था, मगर सबूही एक फैन को लवर बनाकर सारा प्यार आपकी झोली में डालकर चली गई। कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है, ए खुदा, लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है, ए खुदा। देखो सेवी, मैं अपना कैरियर बनाना चाहती हूँ, और अपना कैरियर बनाने के लिए मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो मुझे वो प्रैक्टिस करवा दो। कैसे? मगर तुम मुझे अपनी सियासी सरगर्मियों में इन्वॉल्व करो, अपने सारे मामलात मेरे साथ शेयर करो। उबर, गजल के फादर से मेरी तमाम बातचीत तय हो गई है, आज शाम को गजल के घर में तुम्हारा और गजल का निकाह है। मामा प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाए। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रही मेरी जान, बस तुम्हारे बाप के इस दिए हुए घर में मैं नहीं रह सकती, मैं अपने शौहर के घर जा रही हूँ। नूर की तरफ से तुम्हारे आने पे कोई पाबंदी नहीं होगी। व्हाट? निकाह कर दिए किससे? गजल जका से। क्या? गजल से? तुम्हें शर्म नहीं आई? किस डिटाई से मुझे बता रही कि तुम्हारी बीवी है? तुम्हें मना किया था ना कि इस लड़की से शादी मत करना। मुबारक हो नूर, छोटी बहू जो ले आए। मुबारक। अंदाजा है मुझे कि तुम्हें इस बात से तकलीफ पहुंची होगी। अंदाजा तो होगा ही, दूसरी बार जो ऐसा कर रहे हो, लेकिन अब की बार मैं लावारिस नहीं हूं और ना ही मैं बर्दाश्त करूंगी। मुझे बेगा, बर्दाश्त तो तुमने पहली बार भी नहीं किया था जब मैं सौरा को लेकर इस घर में आया था। 15 दिन भी चैन से नहीं रहने दिया था तुमने उसे। और इसे तो मैं एक दिन भी नहीं रहने दूंगी, क्योंकि गजल है सारा का हरावल दस्ता। उसके आने का मतलब है सारा का दोबारा आना। नहीं है कुछ भी ऐसा, सारा इस घर में नहीं आएगी। और मैं उसे आने भी नहीं दूंगी, और गजल भी ना आ पाती अगर आप उसे मेरी जिद पे ना लाते। गजल और जैन प्यार करते हैं एक दूसरे से? कोई प्यार व्यार नहीं है, इस रिश्ते के पीछे दो बातें हैं। क्या? ये शादी गठजोड़ है खुल्द सारा और गजल का, फिर इन तीनों की आपने हमायत की ताकि उस कुत्ते की मौत का जवाब दे सके। नहीं रोजी बेगम, नहीं, मैं तो ये बात भी भूल गया था। मुझे अगर कुदरत ने तुमसे उस बेजुबान की मौत का इंतकाम लिया है तो बड़ा भयानक इंतकाम लिया है। झूठ बोल रहे हैं आप। आपने उसी वक्त मुझसे कहा था कि जैन को कुत्ते को शूट करने पर डांटूंगा, क्योंकि आप हर काम वक्त पर करते हैं। उसिया बेगम, कहां की बात कहां जोड़ रही हो? कहां उस कुत्ते की मौत, कहां गजल और जैन की शादी? जैन ने मेरे एक इशारे पर ही कुत्ते को शूट किया था, और आपने उसी बेटे को मुझसे बदसंत किया जो मेरे लिए किसी की जान भी ले सकता है। रोजिया बेगम, ये जो मर्द होता है ना, इतना तंग नजर नहीं होता।
जितनी तुम औरतें होती हो। और दूसरी बात यह है कि मेरे लिए तुमसे बदला लेना इतना अहम है और ना ही जरूरी। तो फिर क्या ये शादी? जैन कंफर्टेबल है गजल के साथ शादी में। और फूसिया बेगम, अगर तुमने इसे कबूल नहीं किया तो फिर मैं वही फैसला करूंगा जो तुम्हारे अंदेशों के ऐन मुताबिक होगा। तो फरमाइए, मैं सुनने के लिए बेकरार हूं। मैं गजल और जैन को लेकर इस घर से चला जाऊंगा सारा के पास। क्या? क्यों बार बार फोन कर रही है? हेलो। हाँ गजल यार, क्या हो गया है? शाम से कॉल कर रही हूँ मैं तुम्हें, ना वीडियो कॉल उठा रही हो ना व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर रही हो। गजल, मेरी मामा मुझे छोड़कर चली गई हैं। क्या क्या मतलब है? क्या हुआ उन्हें? वो इस घर को छोड़कर चली गई हैं, इडियट। ओफो, तुम परेशान नहीं हो? वो घर छोड़ के नहीं गई, उन्होंने हमारी वजह से इतनी जल्दी शिफ्ट होने का फैसला किया। तुम्हारी वजह से? हाँ यार, वो तो मेरी और जैन की वजह से। पहेलियाँ क्यों बचवा रही हो गजल? अगर वीडियो कॉल उठा लेती ना तो ये पहेली ना रहती। एनीवेज, देयर्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू। मेरी जैन से शादी हो गई है और मैं इस टाइम पर नूर बहादुर हाउस में बैठी हूँ। क्या? हाँ जी। Are you joking? हाँ यार, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए अभी अपनी सेल्फी लेके भेजती हूँ तुम्हें। और ये जैन कहाँ है? यार वो ना अभी रेस्ट रूम गया, तो मैंने जल्दी से तुम्हें कॉल कर ली। वो जो मेरे ससुर है ना नूर बहादुर, उन्होंने खुद मेरा निकाह करवाया है और मुझे इज्जत से घर लेकर आए हैं। ओह माय गॉड। हाँ यार, तभी तो मैं तुम्हें कॉल कर रही थी ताकि तुम मेरे निकाह पर शामिल तो हो। तुमसे पूरी बात सुनना चाहती हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि मेरी मामा ने तुम्हारी खातिर ये घर क्यों छोड़ा? यार ताकि खुदा ना खासा अगर मेरी सास कबूल ना करें तो हम आंटी की तरफ चले जाएं। हेलो होल्ड, आवाज़ आ रही है। हेलो, बच गया है। अभी तक रूम में भी नहीं आए, लगता है आज आएंगे भी नहीं। मगर सेवी ठीक कहता था कि मैं सोचती रह गई और सारा अपनी चाल चल गई। मगर मैं भी अब नूर से नहीं लड़ूंगी, जहर का हल जहर से ही करूंगी। गजल का तोड़ शकीला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट खुल्द। शामीर आज अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। आज का जो हमारा शो है उसका टॉपिक है माँ। औलाद और सूरज के दरमियान भीगा बादल होती है माँ। बगैर किसी सैलरी के पूरी जिंदगी काम करती है माँ। पास हो तो गम नहीं, मगर अगर दूर चली जाए तो सर से आसमान और पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। लेकिन कुछ औरतें सिर्फ माँ नहीं होती, या फिर यूँ कह लें कि कुछ औरतों में ममता नहीं होती। उनकी ममता पर
उनके गर्ल्स, उनकी परेशानियां खालिब हो जाती हैं। खुल मेरी जान, मगर शायद कुछ औलादें बदबख्त होती हैं। वो माँ जैसी दौलत को तिजोरी में बंद करके रखते हैं। उनको ये एहसास नहीं होता कि माँ खुद भी एक इंसान है, उसकी अपनी भी कोई जिंदगी है, एहसासात है। पर जब उनको इस चीज की कदर आती है तो उनकी माँ उनको छोड़कर चली जाती है। फिर इनको एहसास होता है, खुदा करे मेरी माँ मुझे कभी छोड़कर मत जाए, किसी की भी माँ किसी को कभी छोड़कर मत जाए। मेरी बच्ची, सवी जाग जाए, सवी। उठ जाए फिर वो चुड़ैल आ जाएगी। क्या है यार रैल, आज तो सारी रात मुझे जैन और गजल की कहानी सुनाती रही हो, बोर करती रही हो और अभी तंग कर रही हो, मुझे सोने तो थोड़ी देर और। मैं कहानी सुना रही थी, अब घर पे एक मसला हो गया वो भी डिस्कस ना करूं। देखो मुझे लगता है शकीला आ गई है। अच्छा आप उठ जाए, मैं उसे कहती हूँ वो थोड़ी देर बाद आए। नहीं नहीं, उसे ना बोलना, तो तुम उसे टीज कर रही हो, उसकी वजह से मेरे साथ उसने बहुत बुरी गेम खेलना शुरू कर दिया। कौन सा गेम? वो मैं बाद में बताता हूँ। एक काम करो तुम ना, उसको अंदर बुलाओ और गुड मॉर्निंग बोलो। ठीक है। रुको रुको रुको, मैं बाथरूम जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ फिर दरवाजा खोलना। और हाँ उसे कह देना मेरे लिए फ्रेश जूस भी भिजवा दे। ओके। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आपके लिए ब्रेकफास्ट में ब्लैक टी या फ्रेश जूस? ऐसा करो मेरे लिए चाय कर दो। ओके। और मैम सेवी सर के लिए? उनके लिए फ्रेश जूस कर दो। ओके। अब ऐसा करो कि तुम कुक को फ़ोन कर ब्रेकफास्ट यहीं मंगवा लो। अब शकीला तुम आओ मेरे साथ बैठो, आओ। क्या बात है, तुम गजल की वजह से परेशान हो? देखो शकीला, मैं इस घर की बहू हूँ और एक बहू होने के नाते अपने ससुर से टक्कर नहीं ले सकती, लेकिन तुम इस घर का फर्द नहीं हो, कुछ भी कर सकती हो। देखो रायला, मैंने तो तुम्हें और फौजिया मैम को पहले ही समझाया था कि गजल को इस घर में मत आने दे। अगर तुम लोग मेरी बात मान लेते तो। एक सेकेंड। एक फ्रेश जूस, एक ग्रीन टी और एक कॉफी सेवी साहब के रूम में जल्दी भिजवा दें। ओके। अगर तुम लोग मेरी बात मान लेते तो शायद आज ये नहीं होता। जो कुछ हुआ अचानक हुआ, अब छोड़ो, ये सोचो कि करना क्या है। करना क्या है, सेवी सर फ्रेश होके आते हैं तो फिर इस बारे में उनसे डिस्कस करते हैं। गजल मेरा मसला है, सभी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसकी बात भी मुझसे ही करना। गजल तुम्हारा प्रॉब्लम है, लेकिन इस मामले में गजल जैन को सेवी सर के लिए प्रॉब्लम बना सकती है, इसलिए इस मामले में सेवी सर को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, इतनी देर में तुम सभी के कपड़े प्रेस कर दो और प्लीज जला मत देना।
ओके, कहाँ है कपड़े? कबर्ड में ही है, देख लो। ठीक है। मेरी बच्ची, ना मैंने तुम्हें छोड़ा है और ना मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। मेरी बच्ची, मेरी जान, मैम मैं आई कमल। आओ शकीला, बैठो। मैम रायला मैम और सेवी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो मैंने उनसे इजाज़त ली और आपसे कुछ बात करने के लिए आई हूँ। एक्चुअली आपका मोबाइल नंबर भी मैंने उन्हीं से लिया था। ज़ाहिर है सुन लिया होगा, गज़ल मेरी और रायला की मुखालफत पे पांव रख के इस घर की दहलीज पार कर गई है। यस मैम। मैं और रायला खरगोश की तरह मुगलते में सोते रहे कि अभी कछुए के आने में देर है। शादी होगी तो देखा जाएगा, लेकिन मुझे जहन से ये तवक्को हरगिज नहीं थी कि वो ऐसा भी कुछ कर जाएगा। मैम आपको जैन से ये तवक्को नहीं थी, लेकिन मुझे गज़ल से यही तवक्को थी। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैम, मेरी रिश्तेदार है वो, और अगर आपने गज़ल को घर से नहीं निकाला तो शायद आपको अपने बेटे से हाथ धोना पड़े। मेरे कहने का मतलब है कि हो सकता है वो आपके बेटे को लेकर चली जाए। तो फिर क्या करना चाहिए? मैं तो आपको यही मशवरा दे सकती हूँ कि आप गज़ल के साथ अपने रवैये को बेहतर करें, खुश असलूबी के साथ उसे गले लगाएं और कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ आपको कबूल है। बट क्या कह रही हो तुम? ट्रस्ट मी मैम, अब देखें ना, दुश्मन के साथ दुश्मनी दोस्ती करके निभानी चाहिए। मैम आप इस सारे बिगाड़ का बोझ मुझ पे और रायला पे डाल दीजिएगा, इस तरह आप नूर बहादुर साहब की नजर में भी अच्छी बन जाएंगी। बात तो अक्ल की है, इस तरह नूर भी खुश हो जाएंगी और बेटा भी, लेकिन गजल मुतमईन होके टिक जाएगी? टिकने ही तो नहीं देना मैम उसे, लेकिन ऐसे बुरे बन के नहीं। जब तक उसे टीस नहीं करेंगे ना, वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगी। बेफिक्र रहिए मैम, उसे टीस भी करेंगे, इनफैक्ट मैं टीस करूंगी उसे। अब आ भी जाएं सभी, नीचे नाश्ता ठंडा हो रहा होगा। हाँ हाँ बस रेडी हो गया मैं। अच्छा जरा ये कुक से पूछो कि उसने जैन और गजल को नाश्ता दिया कि नहीं। दे दिया होगा, जैन ने फोन करके खुद ही बुला लिया होगा, और वैसे भी वो कौन सा भूखे बैठे होंगे। एक काम करें, आपके ये जैन और गजल के कमरे में ना नाश्ता भिजवा दीजिए।
हाँ हाँ और कौन, ज्यादा टाइम ना लगाना ठीक है, ओके चलो। यारह बज गया, लगता किसी ने सांस भी नहीं ली। ज़ैन उठो उठो, मुझे बहुत भूख लग रही है, उठो ना यार। क्या हो गया, मैं सुबह उठा दिया तुमने मुझे, मुझे भूख लग रही है यार। किचन में कॉल करके मंगवा लो ना ब्रेकफास्ट, मुझे तंग क्यों कर रही हो। मुझे क्या पता तुम्हारे किचन का क्या नंबर है, वो मेरा फोन पड़ा हुआ है, कुक को कॉल करके मंगवा लो जो खाना है, लेकिन प्लीज मुझे सोना दो। एक सेकेंड आ रही हूं। गुड मॉर्निंग गजल। तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें मुझे नाम से मुखातिब करना छोड़ देना चाहिए? अब क्या राय लगी, जरा बार बार जलील करना पड़ेगा मैम बुलवाने के लिए? और वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आई विल हैंडल द सिचुएशन मायसेल्फ। मर्जी है तुम्हारी, वैसे मुझे यहाँ तुम्हारे पास सेबी ने भेजा था। ओहो, क्या आपने प्यार की कसमें देके भेजा था? क्या बोला था कि मेरे प्यार की कसम मेरी भाभी को जाके नाश्ता दे दो? ये कौन किसको प्यार की कसमें दे रहा है? Excuse me, ज़ैन, तुम इसे बता दो कि मैं पीए हूँ, इस घर की मुलाजमा नहीं हूँ। अच्छा आप जाएं, मैं बात करता हूँ। This is just the beginning. तुम देखना मैं इसके साथ क्या करती हूँ। देखो वो एक तो तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आई है और ऊपर से तुम उसको जलील कर रही हो। अच्छा खैर, तुम जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, फिर हम साथ में नाश्ता करते हैं। बारह बज गए, हाय नमाज पढ़ के यहाँ बैठा तो आंखें लग गई। अच्छा सारा, हेलो, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, अभी सोकर उठी हो? सोकर मैं नहीं, आप उठे तो आपकी मॉर्निंग अभी हुई ना। आवाज नींद का खुमार लिए हुए है। हाँ यार बॉब, रात दो बजे तक ना ये फौजिया से चिक चिक के बाद दिल ही नहीं किया रूम में जाने का, फिर नमाज पढ़ी यहाँ कर तो बैठ गया, आंख लग गई। क्यों, क्या फौजिया जी ने बुरा मनाया? वही हुआ जिसका डर था, इससे तो बेहतर था कि मैं तुम्हारी तरफ आकर सो जाता। तो अब आ जाए। अगर अब फौजिया ने मजीद झगड़े किए तो यही कुछ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी कि ज़ैन और गजल के मामले तक वहीं रहेंगे। बिस्मिल्लाह, अब मैंने आपको फोन इसलिए किया था कि मैं ज़ैन से जरा सलाम दुआ कर।
जरूर करो, क्यों नहीं, 100 बार करो। ये बताओ कि जैन का नंबर है तुम्हारे पास? नहीं। ठीक, मैं सेंड करता हूँ तुम्हें। ओके, अल्लाह हाफिज़। किसी को कोई ख्याल ही नहीं है कि नाश्ता भी करना होगा हमने। ठीक, अरे आप तो आज अचानक बगैर बताइए आ गए। अब आई एम सॉरी, मैं आपको कॉल किए बगैर आ गया, आपने माइंड तो नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं, जूस लीजिए ना। श्योर। वो दरअसल मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि आपको कहानी सुनाकर रोल डिस्कस कर लूँ। छोड़िए रोल वोल को, जो भी होगा परफॉर्म कर देंगे। मैं तो आपकी कहानी में अपना रोल सुनने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। मेरा मतलब है कि मेरी शक्ल, सबूही और आपके प्यार की सच्ची कहानी। एक बात कहूँ आपको, पहले तो मैं सिर्फ आपका फैन था, मगर सबूही एक फैन को लवर बनाकर सारा प्यार आपकी झोली में डालकर चली गई। सच बताऊं तो मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम नए नए मिले हों। ऐसा लगता है कि जैसे हमारी बहुत पुरानी जान पहचान है। इसका मतलब सबूही एक ब्रिज थी जो मुझे आप तक पहुंचाने के लिए मेरी जिंदगी में आई। शायद, मगर अब तुम आ गए हो मेरी जिंदगी में और मैं तुम्हारी जिंदगी में। सच कह रही हैं आप? हाँ, अब हम अच्छे दोस्त हैं। एक छोटा सा सबूत मांगूं आपसे सच्चा दोस्त होने का? श्योर। मैं ड्रामा नहीं बल्कि वेब सीरीज शूट करना चाह रहा हूँ। क्या है ना कि मेरे पास बजट बहुत कम है, बजाय साइड बिजनेस करने के मैंने सोचा कि मैं प्रोडक्शन में आ जाऊं, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। ताकि मेरे करीब आ सको ना। इसीलिए तो मैं आपके ऑपोजिट रोल कर रहा हूँ। सो स्वीट, मगर पैसे कितने हैं? सिर्फ 35 लाख, और मुझे तो ड्रामा बनाने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं। आपने जब 30 लाख कहा तो मुझे ऐसा लगा कि आप तक आना तो बस अब मेरा ख्वाब ही रह गया। डोंट यू वरी, देखो कम से कम बजट में भी हम कर लेंगे, परेशान मत हो। थैंक यू सो मच पारस, थैंक यू वेरी मच। तो शूटिंग वगैरह? एक बात और कहूँ आपसे? श्योर। और प्लीज मुझे इतना बड़ा भी स्टार मत समझो, कम ऑन यार, बी अ फ्रेंड। आप मेरे साथ कॉफी पी चलेंगी? सुनो, ये देखो, ये पहन लो। अरे वाह, इतनी तैयारी, कहाँ जा रहे हो? हाँ यार, वो डैड की दूसरी बीवी सारा चौधरी की कॉल आई थी, होल्ड की मॉम की। हाँ, इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? मैं जानती हूँ सारा आंटी को, उनके एटीट्यूड को भी और उनके रिलेशन को भी। हाँ, बस उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। क्यों? बस वहाँ जाकर कुछ दिन रहने का इरादा है, ताकि मॉम को थ्रेट किया जाए। यानी फिर तुम अंकल की बात मान रहे हो? हाँ, तो ठीक भी तो कह रहा हूँ ना, इससे अच्छा और तरीका भी क्या हो सकता है कि मॉम हमारे रिश्ते को कबूल कर ले। हाँ ठीक है, मगर याद रखना कि हमें सब कुछ नहीं छोड़ के जाना रायला और सिवी के लिए। बेफिक्र रहो, ये रास्ता इस भटके हुए को शकीला पहले ही दिखा चुकी है। मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ, इसी में नवाइल। मगर
शकीला ने जैन के साथ ये हमदर्दी की ही क्यों? वो तो सेवी से प्यार करती है। और अगर जैन सेवी को ओवरटेक करेगा तो ये बात उसके हक में बेहतर नहीं। मतलब कि शकीला का रुझान सेवी से मायूस होकर अब जैन की तरफ आ गया। चलो खैर, जैन तो गया,